Bob the Builder, कल कैसे खाएंगे? Bob the Builder, हाँ भाई हाँ। Scoop मक्का डिजी, रोली के साथ, लॉफ्टी और वेंडी ने बढ़ाया हाथ। Bob और साथी मस्ती में मगन, मिलजुल के करते हैं काम खत्म। Bob the Builder, कल कैसे खाएंगे? Bob the Builder, हाँ भाई हाँ। Bilchin or Bird, Travis or Spud, दोस्तों का है जी ये प्यारा जमखट। Bob the Builder, करके दिखाएंगे। Bob the Builder, हाँ भाई हाँ। कहीं लेंगे। मैं तो इस बारिश से तंग आ गया हूँ डिजी। मैं भी। पता नहीं कितने दिन हो गए बरसते हुए। हेलो टीम, हम आ गए। ये बारिश कब रुकेगी बॉब? अरे अभी तो एक ही दिन हुआ है रोली। लेकिन हम घर में बैठे बैठे क्या करें? क्या हम बाहर खेलने जा सकते हैं प्लीज? आइडिया बहुत अच्छा नहीं है डिजी, तुम भी गंदी हो जाओगी स्कूप और मक की तरह। मुझे गंदा होना बहुत पसंद है। ठीक है, बारिश रुक जाए तो मैं तुम दोनों को धो दूंगा। ठीक है बॉब। क्या उसने कहा धो दूंगा? ये काम कब खत्म होगा? मैं तो पूरा गीला हो रहा हूँ। थोड़ी सी बारिश से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा लॉफ्टी। ये कैसा लग रहा है वेंडी? कुछ ठीक नहीं फार्मर पिकल्स। आपकी सिर्फ नाली ही नहीं टूटी है, पानी जाने वाला पाइप भी टूटा है। मुझे वो भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है वेंडी। खैर वैसे लगता है कि बारिश रुक जाएगी। ठीक है तो पहले कौन नहाएगा? पहले मैं नहाऊंगा बाप। ये लो स्कूप। मुझे नहाना नहीं है रोली, मैं गंदा ही ठीक हूँ। हाँ, नहाने से डरते हो ना तुम, है ना? हाँ, ऐसा ही समझ लो। हाँ तो चलो अब पाइप लगाएं और साबुन छुड़ाएं। ठीक है बाप। देखो बाप, तुमने पाइप को दबा रखा है। ये क्या, पानी क्यों नहीं आ रहा? ओ हो सुनो स्पर्ट, अब बाहर आ जाओ, बारिश रुक गई है। ओह थैंक्स ट्रेविस, गीला होना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मुझे थोड़ा पीछे जाना होगा, देखता हूँ। अरे ये क्या मुझे हो रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। ओहो कम ऑन ट्रेविस, क्या कर रहे हो? ओह मैं मिट्टी में फंस गया। वो तो हो क्या, तुम तो ट्रैक्टर हो, तुम फंस नहीं सकते, और कोशिश करो। कोई फायदा नहीं स्पॉट, तुम्हें मदद बुलवानी होगी। तो ठहरो ट्रेविस, मैं फार्मर पिकल्स को ढूंढ कर लाता हूँ। तो ठीक है लॉफ्टी, तुम अब मुझे नया पाइप दे दो। आराम से लॉफ्टी, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ओफो, मुझे ऊपर नहीं देखा जाता। ओके लॉफ्टी, पकड़ लिया। ये लो, चमक गए। आओ मक, तुम्हारी बारी है। तुम पहले जाओ। मैं तो गंदा नहीं हूँ। ओह समझ गया बॉब, मक से पहले मैं आऊँ। शाबाश मक, तुम पानी से डरते नहीं हो, है ना? नहीं बिल्कुल नहीं। रुको मक। हेलो बॉब द बिल्डर। ओ फार्मर पिकल्स, इमरजेंसी है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बेचारा ट्रेविस। क्या बात है बॉब? वो ट्रेविस दरअसल मिट्टी में फंस गया है। तो क्या हुआ बॉब, मैं उसे निकाल लूंगा। मुझे नहीं लगता स्कूप, कहीं तुम्हारे पहिए भी ना फंस जाएं। मैं निकाल दूंगी बॉब। तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो, लेकिन ये काम मक का है। इसके कैटरपिलर जैसे पैडल ऐसे ही काम के लिए बने हैं। बाल बाल बचा, अब नहाना नहीं पड़ेगा। बाप, मैं भी मदद के लिए चलो प्लीज। ठीक है डिजी, ये खींचने वाली रस्सी तुम ले चलो। यूपी, चलो।
तो बाहर जाकर खेलने का मौका तो मिल जाएगा। तो दोस्तों चलो चलें। कोई फायदा नहीं, अब मैं यहीं फंसा रहूंगा। घबराओ मत ट्रेविस, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हेलो ट्रेविस, तुम्हें अभी यहाँ से निकाल लेते हैं। जल्दी करो बॉब। ये देखो ट्रेविस, मैं ये रस्सी तुम्हारे एक्सल से बांध रहा हूँ। दूसरा सिरा मक से बांधूंगा और वो तुम्हें बाहर खींच लेगा। मक चला बचा दे। ठीक है, खींच कर दिखाओगे? शाबाश मक, बहुत अच्छे। थैंक्स मक। इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया। तुमने बहुत बढ़िया काम किया मक। चलो ट्रेविस घर चलते हैं। मेरे हाथ का बना हुआ एप्पल जूस पियोगे ना बॉब? जरूर पियूंगा फार्मो पिकल्स। वेंडी का काम भी देख लूंगा कैसे किया है उसने। चलो चलते हैं। तुम तो बहुत बहुत गंदे हो गए मक। मैं हूँ मकी मक। क्या हुआ डिजी? अच्छा तो ये लो मिट्टी का केक। काम खत्म हो गया लॉफ्टी? हाँ हो ही गया, फिर मिलते हैं बॉब। हाय वेंडी, काम कैसा चल रहा है? पूरा हो गया। ओह अरे वाह, तो ट्रेविस को बाहर निकाल ही लिया। हाँ मक की हिम्मत थी, क्यों है ना मक? अरे ओहो, वो दोनों कहाँ चले गए? ओह शैतानी करने, और कहाँ। मैं जाकर ढूंढता हूँ उन्हें। तो फिर मिलेंगे बॉब। तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है वेंडी। मैंने पूरे का पूरा पाइप ही बदल दिया है। अगली बार जब बारिश होगी तो पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये लो स्पार्क। तुम बहुत लकी हो डिजी। अगर मैं तुम्हारे जितना छोटा होता तो दिन भर मिट्टी में खूब लोट पोट करता। लोट पोट से क्या मतलब है तुम्हारा? इस तरह? डिजी, मक, ये क्या हो रहा है? सॉरी बॉब। हाँ बॉब, हम तो स्पट के साथ मिट्टी मिट्टी खेल रहे थे बस। तुम सबको अभी फार्मा पिकल्स के यार्ड पर चलना है, वहाँ तुम्हारे लिए एक बड़ा सा सरप्राइज है। एक सरप्राइज? बहुत मजा आएगा। और तुम्हें स्पट? मैं? बहुत बहुत मजा आएगा। स्पट लग गया काम पर बॉब। ओ बॉब, बता ना सरप्राइज क्या है। क्या है सरप्राइज? हाँ बहुत मजेदार होना चाहिए। तो अपनी आंखें बंद करो। तैयार हो? तैयार है। गंदगी हो रही है। क्या हुआ डेजी, मजा आ रहा है क्या? हाँ मजा आ रहा है। मुझे भी देखना है। बेईमानी नहीं मार। धुलाई? ओ नहीं, ओ वो तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, नखरे मत करो, बस बहुत हुआ मक। पानी तो थोड़ा सा ही है। और अगली बारी तुम्हारी है स्पर्ट। क्या? ओ नहीं। मेरी नाक, किसी के पास एक्स्ट्रा नाक है क्या?
बिल्डर करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। स्कूप मैकडीजी रोली के साथ लॉफ्टी और वेंडी ने बढ़ाया हाथ। बॉब और साथी मस्ती में मगन मिलजुल के करते हैं काम खत्म। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। बिल्डर और बर्ड ट्रैविस और स्पर्ट दोस्तों का है जी ये प्यारा जमखट। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। कहीं लेंगे देखो तो डाकिया क्या लाया है फिन। पता नहीं अंदर क्या है। अरे वाह मेरे नए जूते। तुम्हें कैसे लगे फिन? सोचता हूं आज काम पर इन्हें ही पहन के जाऊं। लॉफ्टी तुम्हें आज बॉब के साथ जाना है एक टूटे दरवाजे को ठीक करना है। ठीक है वेंडी। मार्क स्कूप तुम मेरे साथ चलो। ठीक है वेंडी। बहुत अच्छे। बॉब पार्सल में क्या था? हा, हा, हा। मेरे ये नए जूते। सब चुप। मुझे चूचू की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे तो सुनाई नहीं दे रही है। ओ हाँ मुझे सुनाई दे रही है। चूहे की आवाज है। चूहा चूहा। अरे कुछ नहीं लॉफ्टी चूहा नहीं है। सच सच कह रही हो? बॉब पता चल गया आवाज कहाँ से आ रही है। कहाँ से? तुम्हारे नए जूते से। अभी नए हैं इसलिए चमड़ा मुलायम नहीं हुआ। बॉब ने चुचुकी। तुम्हारे जूतों में तेल डालना पड़ेगा बॉब। सही कह रहे हो स्कूल। तो चलो अब कुछ काम कर लिया जाए। तुम मेरे साथ चलोगे बॉब? नहीं लॉफ्टी नए जूते खुल जाएं इसलिए पैदल ही चला जाऊंगा। करके दिखाएंगे। शायद देखो ट्रैविस बॉब के घर का सीधा रास्ता है चौराहे से उल्टे हाथ को। नहीं सीधे हाथ की तरफ से है। नहीं उल्टे हाथ से सीधा है। उल्टा सीधा नहीं हो सकता। उल्टा हाथ यानी बायां। लेकिन शहर जाने के लिए उल्टा सीधा है ना? यही तो मैंने कहा था। नहीं उल्टा सीधा है। देखो ट्रैविस बायां रास्ता सीधा है ठीक है। किस बात पर इतनी बहस हो रही है? बॉब के घर जाने का शॉर्टकट कौन सा है? तुम लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि कौवा अपनी जगह पर सबसे जल्दी पहुंचता है। तो मुझे कहना चाहिए कि बर्ड जल्दी पहुंचता है। मतलब किसी भी जगह अगर जल्दी पहुंचना हो तो बहस छोड़कर सीधा रास्ता अपनाओ। किसी बर्ड के उड़ने से भी ज्यादा तेज मैं चल सकता हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता स्पर्ड। चलो ट्रेविस बहुत काम बाकी है। बाय। मैं उन्हें दिखा दूंगा। बर्ड चलो मैं बॉब के घर पहले पहुंचूंगा। स्पर्ड लग गया काम पर। ओके लॉफ्टी अब शुरू हो जाओ। थोड़ा सा बाएं थोड़ा सा दाएं। ओके एकदम नीचे जरा ध्यान से। ठीक है शाबाश लॉफ्टी। अब लंच का टाइम हो गया है। आज क्या लाए हो बॉब? मेरे मन पसंद चीज सैंडविचेस और बड़ा क्रीमी बन। ओ, 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 जल्दी लॉफ्टी होवा जा रहा है पीछे चलो। मैं थक गया। आओ भूखा भी हूँ। पता नहीं किसका लंच है। आओ जिसको मिला उसी का है। देखो तो सही।
चीज और चटनी, ये क्या है? वाह, क्रीमी बन। ए, मेरे लिए रुको बर्ड, अब इसे बॉब के घर पहुंचकर ही खाऊंगा। उम्मीद है कि मिसेस पर्सिवल को उनका नया किचन पसंद आएगा। सफाई करना बोर काम है वेंडी, चलो क्यों ना कुछ मजेदार काम करें, जैसे सुपर खेल का मैदान बनाएं। नहीं मक, सफाई करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि काम करना। ओके वेंडी। पकड़ लिया लॉफ्टी। अच्छा हुआ। इतना भागा कि भूख और ज्यादा लगने लगी है। अरे मेरे सैंडविचेस किसने कुतरे और मेरा क्रीमी बन कहाँ चला गया? तुमने कहीं देखा लॉफ्टी? नहीं बॉब, आखिरी बार जब देखा था तो चूहे। चूहा? वापस आ जा लॉफ्टी, ये चूहा नहीं है, ये तो मेरे जूते हैं। चूहे! वापस आओ लॉफ्टी। काम खत्म हुआ। हेलो वेंडी, जल्दी में हूँ। बाय वेंडी। चूहे! क्या हुआ? चूहा कहाँ पर है लॉफ्टी? मेरे पीछे, देखो चूहे। लॉफ्टी, कोई चूहा वूहा नहीं है, देखो। ओ चूहा! लॉफ्टी तूने तो ठीक कहा था। देखो, इन्हें भी मेरे चूचू वाले जूते अच्छे लगते हैं, है ना? बचाओ, मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे अच्छे नहीं लगते। फियो, पहुंच गया। कौवे के रास्ते से बॉब के घर तक बर्ड से पहले पहुंच गया। बर्ड हार गया। आओ, अब मैं क्रीमी बन तो खा सकता हूँ। बर्ड, ये क्या है तुम्हारे पास? बर्ड? एक बन बॉब, बहुत ही क्या तुम्हारा है? हाँ, ये मेरा है। बिना पूछे किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए इस बर्ड। मुझे नहीं पता था बॉब, मुझे माफ कर दो बॉब, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो मिल बांट कर नहीं खाओगे? मुझे दूर रहो चूहे। स्पंज भी ना। हेलो बॉब। हेलो। हेलो वेंडी। हाय बॉब, ये स्पंज कहाँ भागा जा रहा है? वो कुछ दोस्तों को घर लाने जा रहा है। बॉब, तुमने ध्यान दिया? तुम्हारे जूते अब छू छू नहीं कर रहे। हाँ, नहीं कर रहे, इन्हें पहने पहने ही दिन भर दौड़ता रहा ना। लंच खाया भी है नहीं? अब क्या बताऊँ, वो तो चूहों के नसीब में ही था। जाओ जाओ, मैं बिल्ली हूँ, म्याओ।
बिल्डर करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। स्कूप मक्का डिजी रोली के साथ लॉफ्टी और बैंडी ने बढ़ाया हाथ। बॉब और साथी मस्ती में मगन मिलजुल के करते हैं काम खत्म। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। बिल्चिट और बर्ड ट्रैविस और स्पर्ट दोस्तों का है जी ये प्यारा जमखट। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। कर लेंगे। हाँ तो टीम आज हमें बहुत सारे काम करने हैं। हाँ और इनमें से दो काम शहर को सुंदर बनाने के लिए हैं। और शहर के मेयर मिस्टर बेंटली हमारे काम का मुआयना करने के लिए आने वाले हैं। तो हमें क्या करना है बाप? तो स्कूप तुम मैं और रोली कूड़ा फेंकने वाली पुरानी जगह पर घास लगाएंगे। वहाँ पार्क बनेगा। पार्क नई घास वाह। और मैं करूँगा रॉक एंड रोल। और हम सब क्या करेंगे? तुम लॉफ्टी और डिजी मेरे साथ चलोगे पुराने रेलवे यार्ड। हमें रेल की पटरियां साफ करके साइकिल का नया रास्ता बनाना है। वहाँ तो गाड़ियाँ आएंगी। ओह डरो मत लॉफ्टी, वहाँ गाड़ियाँ नहीं आएंगी। वो पटरियाँ अब इस्तेमाल नहीं हो रही क्योंकि पुरानी है और वही तुम्हारा काम है। ये देखो लॉफ्टी तुम्हारा चुंबक, इससे तुम पटरियों को आसानी से उठा पाओगे। अब याद रखना लॉफ्टी, चुंबक बहुत ताकतवर होता है, इसे काबू में रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बैंडी। अब कुछ करो लॉफ्टी, तुम्हें चुंबक को काबू में रखना है। सॉरी। बहुत मजा आया। कोई बात नहीं लॉफ्टी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों चलो चलें। करके दिखाएंगे। हाँ कर ही लेंगे। लॉफ्टी जरा चुंबक का ध्यान रखना। वेंडी, पक्का है ना गाड़ियाँ तो नहीं आएंगी? नहीं आएंगी लॉफ्टी, यहाँ सालों से गाड़ियाँ नहीं आई। मैं पटरियों को पट्टों से खोल देती हूँ, तुम उन्हें उठाकर मक्के डंपर में रख देना। ठीक है? ठीक ही है। तो ठीक है टीम, काम शुरू करते हैं। मॉर्निंग मिस्टर बेंटली। मॉर्निंग बॉब। तुम्हारा सबसे पहला स्टेप है यहाँ से सारे कूड़े को साफ करना। ठीक कहा मिस्टर बेंटली, वो हो गया। इसका मतलब है पहला स्टेप पूरा हुआ। आपका पेन तो बहुत अच्छा है मिस्टर बेंटली। हाँ मुझे भी बहुत पसंद है, मेयर ने मुझे इनाम में दिया था। वाकई बहुत अच्छा है। ओ थैंक यू। अच्छा अब आगे क्या है? दूसरा स्टेप। ओ हाँ हाँ, दूसरा स्टेप घास डालो और आखिर में तीसरा स्टेप उसे फैलाओ। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया मिस्टर बेंटली। ओ मैं जानता हूँ बॉब, हमें तुम पर और तुम्हारी टीम पर पूरा भरोसा है। अच्छा तो मैं वेंडी से मिलने जाता हूँ, यहाँ बाद में आऊंगा। थैंक्स मिस्टर बेंटली, बाय बाय बाय। डाली हो डाली हो। मिस्टर बेंटली। हेलो वेंडी, तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बढ़िया बढ़िया, क्यों है ना लॉफ्टी? चल ही रहा है। आओ लॉफ्टी, तो चुंबक से काम कर रहे हो तुम? हाँ मिस्टर बेंटली। मुश्किल काम है, तुम्हें चुंबक को अच्छी तरह संभालते देखकर अच्छा लगा। वो तो है मिस्टर बेंटली। तो वेंडी काम अच्छा चल रहा है ना यहाँ? हाँ मिस्टर बेंटली। ठीक है तो मैं बॉब के पास वापस आता हूँ। बाय बाय मिस्टर बेंटली।
ओके रोली, दिखा दो अपना कमाल। ये तो शुरू रॉक एंड रोल। हमारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा, मिस्टर बेंटली खुश हो जाएंगे। टाली हो, अब चलो। सुनो मार्क, अब कूड़ा फेंकने की जगह पर ये सब ले जाओ। ओके वेंडी। मुझे क्या करना है वेंडी? तुम मक के साथ जाकर उसकी मदद करो। अच्छा, चला जाता हूँ वेंडी। ठीक है लॉफ्टी, तो चलो चले, जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं। चलो। मक, थोड़ा धीरे चलोगे क्या प्लीज? जल्दी ही जाना पड़ेगा लॉफ्टी, कूड़ा डालने का वक्त अगर खत्म हो गया तो पता है ये सब सामान हमें अपने घर ले जाना पड़ेगा। हाँ पता है, लेकिन तो फिर चलो ना। ओ, भागना पड़ेगा, यही मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। ओ, 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 बहुत अच्छा लग रहा है रोली। मिस्टर बेंटली, अभी काम पूरा हुआ है, कैसा लगा आपको? काम बहुत अच्छा हुआ, मैं अभी तारीफ में लिखता हूँ कि मेरा पेन कहाँ गया? ओह डियर, आपने आखिरी बार कब देखा? जब मैं यहाँ पर था तब मैं, वो शायद यहीं गिर गया। ओफो, तब तो घास के नीचे होगा, हमें दोबारा सब उखाड़ना होगा। मेयर ने इनाम में दिया था। हेलो मक, तुम यहाँ कैसे आए? वेंडी ने मुझे और लॉफ्टी को ये सब फेंकने के लिए भेजा है। लेकिन मक, ये तो पुरानी जगह है जो अब पार्क है, कूड़ा डालने की नई जगह और आगे है। ओह हाँ, हाँ ठीक है, हम वहीं जाते हैं। तुमने कहा था लॉफ्टी भी तुम्हारे साथ है? हाँ था तो, लेकिन शायद मैंने रास्ते में से कुछ चीजें उठा ली। बिल्कुल उठा ली लॉफ्टी, और तुम्हें देखकर एक आइडिया आया। अगर तुम्हें ये चीजें मिल सकती हैं, तो तुम मिस्टर बेंटली का पेन भी ढूंढ सकते हो। मेरा पेन। हाँ, शाबाश लॉफ्टी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। शाबाश लॉफ्टी, तुमने अपना कमाल दिखा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया लॉफ्टी। कोई बात नहीं मिस्टर बेंटली। तो अब मैं चलता हूँ बॉब, बाय बाय दोस्तों। बॉब, अब ये सामान नई जगह पर ले जाए, नहीं तो वो बंद हो जाएगा। नहीं रुको मक, किसी भी चीज को फेंकने की जरूरत नहीं है, एक और बढ़िया आइडिया है। आइए, आप हमारी मेहमान हैं वेंडी। ओह, तुम बहुत होशियार हो बॉब, शहर को तुम और भी खूबसूरत बना रहे हो। लॉफ्टी, सॉरी।
बिल्डर हाँ भाई हाँ स्कूप मक्का डीजी रोली के साथ लॉफ्टी और बैंडी ने बढ़ाया हाथ बॉब और साथी मस्ती में मगन मिलजुल के करते हैं काम खत्म बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ बिल्डर और बर्ड ट्रैविस और स्पर्ट दोस्तों का है जी ये प्यारा जमघट बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ कहीं लेंगे मॉर्निंग जल्दी उठ गए बॉब आज के हमें बहुत काम है स्कूप बुकिंग तो सिर्फ एक ही काम की है और वेंडी ने कहा है कि वो उसे संभाल लेगी क्योंकि आज मेरी छुट्टी है तो तुम क्या करोगे बॉब बताओ बताओ आज मैं बड़े आराम से बस चिड़ियों को देखूंगा डिजे किस्मत ने साथ दिया तो नीले कलगीदार पक्षी की फोटो जरूर खींचूंगा वाह नीला कलगीदार पक्षी क्या बात है बॉब नीला कलगीदार पक्षी क्या होता है ओ डिजी ये बहुत अनोखा पक्षी है इसकी आवाज मीठी होती है मेरी आवाज से भी ज्यादा मीठी बॉब गाओ और नाचो नाचो और गाओ हो अरे नहीं रोली खैर वो पक्षी यहाँ बहुत कम दिखाई देता है लेकिन फार्मर पिकल्स के बगीचे में शायद एक है अच्छा तो मैं चलता हूँ बाय बाय शाम को मिलते हैं बाय 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 उम्मीद है तुम्हें वो पक्षी मिल जाए सब देखो 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 मैं भी पक्षी देख रहा हूँ गुड मॉर्निंग पिल्चर्ड ठीक है तो मुझे अभी कंप्यूटर से ऑर्डर्स के प्रिंट आउट निकालने हैं और फिर स्कूप और मक को लेकर दीवार ठीक करने जाना है ओह कमाल है कंप्यूटर खराब हो गया अरे ये क्या ये आवाज कैसी ओह कंप्यूटर इंजीनियर को बुलाकर इसे ठीक करवाना पड़ेगा चिड़ियों को देखने के लिए बड़ा सुहाना दिन है ये आवाज कहाँ से आ रही है ये आवाज तो बिल्कुल वैसी नीला कलगीदार पक्षी जरा भी आवाज नहीं करनी है नहीं तो ये उड़ जाएगा वाह खींच ली ओफो ढक्कन तो उतारा ही नहीं अब फोटो कैसे आएगी ओह हेलो तुम्हें तंग करने के लिए सॉरी बॉब लेकिन कंप्यूटर नहीं चल रहा ओह डियर अब मैं ऑफिस छोड़कर नहीं जा सकती कंप्यूटर इंजीनियर को बुलाया है दीवार ठीक करने क्या तुम चले जाओगे कोई बात नहीं वेंडी मैं चला जाता हूँ स्कूप को मेरा हैट और औजार दे दो मक और स्कूप से कहो कि वो मुझे वहीं मिले ठीक है बॉब ओहो बुरी तरह टूट गई है जोड़ कर दिखाएंगे हाँ भाई हाँ। तो दोस्तों काम खत्म तुम दोनों वापस घर जाओ तुम कहाँ जा रहे हो बॉब फार्मर पिकल्स के बगीचे में नीले कलगीदार पक्षी की फोटो दोबारा से लेने की कोशिश करूंगा बाय बाय बॉब ओफो कंप्यूटर तो चल ही नहीं रहा काश वो इंजीनियर जल्दी आ जाए ओ, बिल्डिंग इंस्पेक्टर मिस्टर बेंटली का फैक्स है काफी अर्जेंट लगता है Wow.
क्या? अरे ओ नहीं, फिर बच गया। हेलो। हाय बॉब। ओ हाय वेंडी, कंप्यूटर इंजीनियर आ गया? अभी तक नहीं आया, एक बहुत जरूरी काम है। बिजली का एक खंभा गिर गया है जिसे अंधेरा होने से पहले ठीक करना है। ओ डियर। वैसे तो आज तुम्हारी छुट्टी है, लेकिन क्या तुम कर सकते हो? हाँ भाई हाँ। सुनो दोस्तों, अगर जल्दी काम किया तो छुट्टी का थोड़ा बहुत मजा शायद अब भी ले पाऊं। ठीक है बॉब। हेलो कंप्यूटर इंजीनियर, सॉरी घर नहीं मिला इसलिए देरी हो गई। पहली गली है। हाँ, मैं आगे चला गया था, फिर सैंडविचेस की याद आने लग गई। अच्छा अब तो आइए। आपके पास बिल्ली भी है? मुझे बिल्लियों से एलर्जी है, बिल्ली से या बैंगन से, किसी चीज से तो है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? की बटन दबाने पर कुछ होता ही नहीं, और कुछ अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। अजीब सी आवाजें? हाँ, चलो देखते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कुछ नहीं हो रहा। हेलो बॉब्स बिल्डिंग यार्ड। हाँ हाँ, ओ ये बात है। ठीक है, हम अभी आते हैं। ओह, एक और जरूरी काम है और काफी बड़ा भी है। बॉब को फोन करती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे बिल्लियों से एलर्जी है। क्या बात है बॉब? वेंडी का फोन था स्कूप। शहर में एक पाइप फट गया है, पानी बह रहा है, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। हाँ, तो मेन वाल्व बंद करके इस पंप से सारा पानी निकालना होगा, तभी मरम्मत हो पाएगी। इससे काम बनना चाहिए। आपका कंप्यूटर तो ठीक हो गया है मेरा ख्याल है। अच्छा हुआ। क्या खराब हो गया था? वो दरअसल मुझे रिपेयर करते समय मशीन से ये चूहा मिला है। पिल्चर्ड। ये तो शायद मेरे सैंडविचेस थे। पिल्चर्ड। कोई बात नहीं, आपके लिए मैं और बना देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस चलूंगा, लगता है अब चीखें शुरू होने वाली है। छुट्टी के दिन तुम्हें तंग किया बॉब, फोटो ले भी पाया नहीं? नहीं, और अब शायद बहुत दिन तक दोबारा मौका नहीं मिलेगा। नीला कलगीदार पक्षी यहाँ बहुत कम दिखाई देता है ना। एक मिनट, ये आवाज तो नीले कलगीदार पक्षी की है। तुम्हारी क्रीन पर है लॉफ्टी, तुम बिल्कुल भी हिलना मत, मैं इसकी फोटो लेता हूँ। डरावना तो नहीं है ना? क्यों बॉब? मुझे कसलती हो रही है। ले ली। तुमने फोटो तो खींच ली बॉब। हमारी फोटो भी ले लो बॉब। अच्छा आइडिया है रोली, सब लाइन में खड़े हो जाओ। ओके स्माइल प्लीज।
बिल्डर हाँ भाई हाँ। स्कूप मक्का डिजी रोली के साथ लॉफ्टी और बैंडी ने बढ़ाया हाथ। बॉब और साथी मस्ती में मगन मिलजुल के करते हैं काम खत्म। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। बिल्डर और बर्ड ट्रैविस और स्पर्ट दोस्तों का है जी ये प्यारा जमखट। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। कहीं लेंगे जरा मुझे एक और तख्ता दो वेंडी। अभी तक कटा नहीं है बॉब, ये आरी बहुत पुरानी है ना, इसलिए लकड़ी कट ही नहीं रही है। हाँ, मैं कब से इसे तेज कराने की सोच रहा था। मुझे नहीं लगता तेज हो पाएगी बॉब, इसकी धार बिल्कुल भी नहीं है। तुमको नई लेनी पड़ेगी, हमें मिसेस पॉट्स के फेंस को आज पूरा करना ही है। हाँ देखो ऐसा करते हैं, मैं आरी से इसे काटता हूँ, तुम तख्ते लगाती जाओ। ठीक है बॉब। ओह डियर, तुमने ठीक कहा वेंडी, ये आरी तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। हेलो बॉब। हाय वेंडी। हाय स्कूप, क्या घर जाने का वक्त हो गया? हाँ हो ही गया है, लेकिन फेंस आधी ही लगी है। तुम जा रहे हो बॉब? जाना ही होगा मिसेस पॉट्स, लेकिन कल हम आकर आपकी फेंस जरूर पूरी कर देंगे। पता है पिलचर्ड, वो फेंस आज ही लग जाती अगर पुरानी आरी खराब ना हो गई होती। तो मैं एक नई आरी का ऑर्डर दे देता हूँ वेंडी के लिए, आरी उसके भी उतनी ही काम आती है जितनी की मेरे। पता है बर्ड, बॉब को नई आरी की बेहद जरूरत है। हेलो, ये टूल्स फॉर यू है, एक आरी का ऑर्डर देना है प्लीज। तो कल सुबह मुझे आरी मिल जाएगी, ये ठीक रहेगा। थैंक्स वेरी मच, ये वेंडी के लिए सरप्राइज होगा। हेलो स्पर्श, क्या हुआ, कुछ उदास से लग रहे हो? बहुत बोर हो रहा हूँ ट्रैविस। तुमको तो इस वक्त चिड़ियों को उड़ाना चाहिए ना। अरे यही काम तो हमेशा करता हूँ, लेकिन और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कोई कुछ करवाता ही नहीं। सबके मुताबिक मैं बस मुसीबत लाता हूँ। तुम वाकई हमेशा मुसीबत खड़ी करते हो। हाँ, अच्छा तो ये बात है, आज मैं किसी की मदद करूँगा, तुम देख लेना। ओहो। किसका इंतजार कर रहे हो बॉब? एक पार्सल आने वाला है डिजी, सामान देने वाले मिस्टर डिक्सन को अब तक आ जाना चाहिए था। ओह, पार्सल में क्या है बॉब? कोई तोहफा तो नहीं? तोहफे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये बाद में बताऊंगा डिजी। किसी का फोन है। हेलो मिस्टर बॉब, मैं डिक्सन बोल रहा हूँ। मॉर्निंग मिस्टर डिक्सन। आपका पार्सल मेरे पास है, लेकिन सामान ले जाने वाली मेरी वैन खराब हो गई है, मरम्मत के लिए गई है। कल तक मैं कोई भी सामान नहीं पहुँचा पाऊंगा, आई एम सॉरी। लेकिन वो तो वेंडी के लिए सरप्राइज था। अच्छा मैं उसे वहीं आकर ले लूंगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। बाय मिस्टर डिक्सन। ये क्या है? ओह डियर, ये क्या? ओह हेलो टीम, सॉरी देर हो गई, एक पार्सल का इंतजार था लेकिन वो पहुंचा ही नहीं। पार्सल? कमाल है बॉब भी। सुनो सुनो दोस्तों, एक इमरजेंसी आ गई है, एक पेड़ टूट गया है और रास्ते को रोक रहा है, हमें फौरन उसे हटाना होगा। लेकिन मिसेस पॉट्स की फेंस में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा वेंडी। ओह कोई बात नहीं बॉब, इमरजेंसी है ना, हम तैयार हैं बॉब। करके दिखाएंगे हाँ भाई हाँ। आओ, अगर कल तक वैन ठीक नहीं हुई तो ये सारा सामान मैं कैसे पहुंचाऊंगा? फिर से फोन, सब यही पूछ रहे हैं कि उनके पार्सल आखिर है कहाँ। ये पार्सल पहुंचाने हैं, ये काम मैं कर सकता हूँ। स्पेशल डिलीवरी स्पॉट लग गया काम पर।
अरे कमाल है, जब मैं अंदर गया था तब तो यहाँ 3 बोरे थे। बहुत भारी थैला है, तभी मिस्टर डिक्सन वैन में ले जाते हैं। हेलो स्पॉट। ट्रैविस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाजार में गोभी पहुँचा कर आया हूँ, तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर डिक्सन के ये पार्सल पहुँचाने जा रहा हूँ और तुम मेरी मदद कर सकते हो। स्पॉट, तुम्हें ये करना ठीक लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, मैंने कहा ना मैं मिस्टर डिक्सन की मदद कर रहा हूँ, समझे? मिस्टर डिक्सन कुछ कहेंगे तो नहीं? वो कुछ नहीं कहेंगे। कैसे जानोगे कौन सा पार्सल किसका है, तुम तो पढ़ नहीं सकते। तो मिस्टर डिक्सन भी तो अपनी वैन में जाकर बस सबको पार्सल देते रहते हैं, मैं भी ये कर सकता हूँ। चलो ट्रैविस आओ। डिलीवरी। आओ, पैकिंग तो कमाल की है। वेंडी के लिए पार्सल और बॉब के लिए भी, देखा आसान काम है। तो चलो, काम पूरा हुआ, अब उस पार्सल का पता लगाया जाए। हेलो मिस्टर डिक्सन, मैं बॉब, मैं सोच रहा था वहां आकर पार्सल ले लूं। क्या गायब हो गया? ठीक है, मुझे मिला तो मैं फोन कर दूंगा, बाय। सुनो दोस्तों, मिस्टर डिक्सन का एक थैला खो गया है और उसी में मेरा पार्सल था। स्कूप, मेरे साथ चलो, देखते हैं कहीं मिल जाए तो। चलो। ओह, ये देखिए मिसेस पॉट्स, पूरा हो गया। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है बेंजी। स्पेशल डिलीवरी। ओह, लेकिन थैंक यू मत कहिए, मैं हूँ स्पेशल डिलीवरी स्पॉट। लेकिन मैंने तो हैट मंगवाई थी। हाय वेंडी। हेलो मिसेस पॉट्स, हम मिस्टर डिक्सन का डिलीवरी बॉक्स ढूंढ रहे हैं, आप लोगों ने देखा? वो स्पॉट और ट्रैविस के पास है, वो उस तरफ गए हैं। हाँ, चलो स्कूप, चलते हैं। देखो बस आखिरी बचा है ट्रैविस, देखा मैंने कहा था ना ये आसान है। ये रहे दोनों। स्पॉट, इस थैले का तुम क्या कर रहे हो? पार्सल देकर मिस्टर डिक्सन की मदद कर रहा हूँ। लेकिन स्पॉट, तुमने सारे पार्सल गलत लोगों को दे दिए, तुमने नाम नहीं पढ़े थे क्या? मैंने तुमसे कहा था। मैं तो बस मदद कर रहा था। जानता हूँ स्पॉट, लेकिन अब तुम्हें सारे पार्सल इकट्ठा करके वापस डिलीवरी ऑफिस में पहुँचाने होंगे। ठीक है बॉब, सॉरी बॉब। फिर दोबारा से सबके पास पहुँचाने में तुम मिस्टर डिक्सन की मदद कर सकते हो, लेकिन इस बार सही आदमी को सही पार्सल। चलो ट्रैविस, स्पेशल डिलीवरी स्पॉट लग गया काम पर बॉब। हेलो दोस्तों। बॉब आ गया। क्या मिस्टर डिक्सन का थैला मिला बॉब? ट्रैविस और स्पॉट के पास था, वो तो मदद ही कर रहे थे। बॉब, तुम्हारे लिए भी एक पार्सल है, देखो। थैंक यू लॉफ्टी। ओ, ये मेरे लिए नहीं, वेंडी के लिए है। बॉब, मैं घर पहुंची तो मुझे ये मिला, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। दोनों को पार्सल मिल गया। अच्छा, लेकिन इनमें है क्या? वही आरी जिसका ऑर्डर दिया था। मैंने भी वही मंगवाई थी। दरअसल वेंडी, तुम्हारे लिए ही मंगवाई थी। ओह बॉब, और मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है वेंडी। ओह थैंक यू। चलो, स्पॉट ने एक तो ढंग का काम किया। स्पेशल डिलीवरी स्पॉट लग गया काम पर।
डिजी रोली के साथ लॉफ्टी और वेंडी ने बढ़ाया हाथ। बॉब और साथी मस्ती में मगन, मिलजुल के करते हैं काम खत्म। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। बिल्डर और बर्ड, ट्रैविस और स्पर्ट, दोस्तों का है जी ये प्यारा जमघट। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। कर लेंगे। ठीक है मक, अब आखिरी बार मोटे वाले पत्थर डालो। ठीक है, कहाँ पर डालने हैं? यहीं पर डालना है मक। ओके रोली। कम ऑन बर्ड, शुरू करें रॉक एंड रोल। एक दो तीन चार, घूमो और ओ, 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 रोली रोली रुको, रुको। क्या हुआ डिजी? वो देखो एक पत्थर जिसका सर है और वो हिल रहा है। ओह देखो बॉब, कछुआ है। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? अच्छा हुआ तुमने देख लिया डिजी, नहीं तो इसे बुरी तरह से चोट लग जाती। हेलो कछुए, सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया। हाँ तुम तो कुछ कुछ मेरी तरह ही हो, धीमे लेकिन आखिर में पहुँच ही जाते हो। अब इस कछुए का क्या करोगे बाप? बता बता बता। पता नहीं डिजी, लेकिन ये यहाँ नहीं रह सकता, हम बस स्टॉप बना रहे हैं, इसे चोट लग सकती है। तुम इसे घर क्यों नहीं ले जाते? मक तुम्हारे साथ जा सकता है, तुम लॉफ्टी को मेरे पास भेज देना। आइडिया अच्छा है वेंडी। टिमी को मैं उठा लूं बाप। टिमी? टिमी कछुआ, ये इसका नाम है। भाई तुम इसे उठा लो। बाय। तुम यहाँ बैठो टिमी, जब तक तुम्हारा घर बनता है तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे। तो लॉफ्टी, मैंने अपना सामान उठा लिया, बस स्टॉप का खंबा तुम ले लो, ठीक है? ठीक है। ठीक है, हमें टिमी के मालिक को ढूंढना होगा। हम ही इसे रख ले तो? नहीं हम नहीं रख सकते डिजी, कछुओं की प्रजाति खतरे में है, किसी के लिए टिमी बहुत खास हो सकता है। इसका मालिक इसे सब जगह ढूंढ भी रहा होगा। ठीक कहते हो स्कूप, तुम दोनों जाओ और देखो हमारा कोई पड़ोसी कछुए को ढूंढ तो नहीं रहा। ठीक है बॉब। मालिक को ढूंढेंगे। हाँ भाई हाँ। मैं कछुए का ये बाड़ा बना देता हूँ जिससे टिमी फिर से कहीं चला न जाए। टिमी भाग नहीं सकता, उसकी चाल धीमी है मेरी तरह। रख दो लॉफ्टी। टॉमी, टॉमी, कहाँ हो तुम? आपका कुछ खो गया है क्या? हाँ डीजी, मेरा प्यारा कछुआ खो गया है। उसकी शक्ल कैसी है? वो गोल है, उसके चार पैर हैं और एक सर। आपका कछुआ हमें अभी अभी मिला है। ओह शुक्र है, वो ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए अब खुद देख लीजिए। हेलो स्कूप, टिमी का मालिक मिला? नहीं बॉब, मैंने सब लोगों से पूछा लेकिन सबका कहना यही है कि उनका कछुआ नहीं खोया है। ओह डियर। टिमी पर नजर रखनी होगी, मैं नहीं चाहता ये फिर से भाग जाए। ओ बहुत गर्मी है। चलो भाई रोली, अपनी आंखें खुली रखो। हुँ। 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 हुँ।
संभल कर। हेलो फार्मर पिकल्स, बहुत सारी पत्ता गोभी भर रखी है। हाँ, आज सुबह सुबह ही तोड़ी है, इसे लेकर बाजार जा रहा हूँ। जरा ध्यान से बर्ड। खुशबू तो बहुत अच्छी है। क्या मैं उस कछुए के लिए एक ले लूं जो हमें मिला है? ओह, वो आखिर है किसका? ये तो पता नहीं, लेकिन ढूंढ रहे हैं। तुम एक पत्ता गोभी रख लो बॉब। थैंक्स फार्मर पिकल्स। कछुए के मालिक के बारे में अगर कुछ पता चला तो मैं बताऊंगा। बाय बॉब। बाय। टिमी, कहाँ हो तुम? टिमी यहाँ नहीं है। रोली गया? कहाँ गया? बस हम पहुँच गए। ये देखिए आपका प्यारा कछुआ। कहाँ है मेरा टॉमी? कहाँ है मेरा टिमी? ओह, वो टिमी नहीं, टॉमी है। टॉमी, टॉमी। मैं बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा, कहीं टिमी टॉमी नीचे नहीं दब जाए। कहीं दिखाई दे रहा है बर्ड? टिमी! बॉब, क्या हुआ? ओ वेंडी, वो कछुआ खो गया। क्या? सब जगह ढूंढ लिया। अगर यहाँ घर में नहीं है तो सड़क पर चला गया होगा। ओ, सड़क पर? अब क्या होगा? घबराइए मत मिसेस पॉट्स, वो जरूर मिल जाएगा। आपका कुछ खो गया है क्या? टॉमी! टिमी! ये मेरे ट्रेलर में गहरी नींद सो रहा था, ताजा ताजा गोभी खाकर इसका पेट तो भर ही गया होगा। ये नया घर टिमी को टॉमी को सड़क से दूर रखेगा। मैंने प्यार से इसका नाम टिमी रखा था, लेकिन ये तो टॉमी निकला। तुम इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हो रोली, ये वापस आ गया है। बस मैं खुश हूँ। पता है, जब मैं बहुत छोटी थी तब से टॉमी मेरे साथ है। अच्छा, मैं नहीं जानता था कछुओं की उम्र इतनी होती है। मेरा मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि बॉब, कछुए तो 50 या 60 साल तक जिंदा रह सकते हैं। मुझे तुम्हारी याद आएगी टॉमी। तुम जब चाहो टॉमी से मिलने आ सकते हो रोली। वाकई? हाँ। ओ ये! आज बहुत काम किया। हाँ, हमने बहुत बढ़िया बस स्टॉप बनाया, है ना लॉफ्टी? हाँ, बना ही लिया। मुझे कछुआ मिला और मुझे उसका मालिक। मुझे उस नन्हे की याद आ रही है। लेकिन मैं खुश हूँ कि वो अपनी मालकिन मिसेस पॉट्स के पास चला गया। लेकिन फिकर मत करो बर्ड, तुम अभी भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। गुड नाइट।
बिल्डर। हाँ भाई हाँ। स्कूप मक्का डीजी रोली के साथ लॉफ्टी और वेंडी ने बढ़ाया हाथ। बॉब और साथी मस्ती में मगन, मिलजुल के करते हैं काम खत्म। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। मिलजुल और बर्ड, ट्रैविस और स्पर्ट, दोस्तों का है जी ये प्यारा जमघट। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। कहीं लेंगे बसंत का सुहाना मौसम अब खत्म होने वाला है। आज दोपहर के बाद तेज बारिश होने की संभावना है। ओह डियर, पिलचर्ड मौसम खराब होने वाला है। बाई तरफ एक दो तीन चार, बाई तरफ एक दो तीन चार, फिर घूमो। मैं जग गया हूँ और जाने के लिए तैयार भी। हे स्कूप, तुम आज क्या कर रहे हो? पता नहीं मैक, बस काम बताने के लिए बॉब बाहर आता ही होगा। ओ, मेरे लायक भी कुछ काम होना चाहिए। हाँ, मुझे कुछ मजा भी चाहिए। मॉर्निंग टीम। मॉर्निंग बॉब। गुड मॉर्निंग बॉब, कैसे हो? आज हम क्या कर रहे हैं बॉब? फार्मर पिकल्स के खलिहान को ठीक करने के लिए तुम्हारी और लॉफ्टी की मदद चाहिए। हेलो बॉब द बिल्डर। ओ हाँ, फिक्र मत कीजिए, मदद के लिए मक को भेज देता हूँ। करके दिखाएंगे। हाँ कर ही लेंगे। बाय बाय। ओहो, पता नहीं था खलिहान इतनी बुरी हालत में होगा। क्या रात तक ये ठीक हो जाएगा बाप? करना ही पड़ेगा स्कूप। हेलो फार्मर पिकल्स, आपकी मदद के लिए मैं आ गया हूँ। ओह बहुत अच्छे, अब फसल को रखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इससे काम चलना चाहिए। ओहो, क्या हुआ बाप? इस पुरानी पट्टी पर पूरी तरह जंग लग गया है। ओ बाबा रे, ये तो ठीक नहीं है ना? हाँ लॉफ्टी, हमें इसे बदलना होगा। क्या अभी? बदलना ही पड़ेगा स्कूप, अगर फार्मर पिकल्स के गट्ठर उस पर रखे तो वजन से पूरा फर्श नीचे गिर जाएगा। ओ बाबा रे, फिर तो बुरा होगा है ना? हाँ लॉफ्टी, तो चलो काम शुरू करते हैं। करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ, हाँ कर ही लेंगे। और अब आएगा कुछ मजा। अरे मैंने यकीनन यहाँ दो गट्ठर रखे थे। हाँ यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। पर अच्छा तो ये तुम्हारा काम है। मैंने सोचा फसल रखने में मैं भी मदद करूं फार्मर पिकल्स। आओ, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर तुम गट्ठरों को फैलाओ नहीं बल्कि इकट्ठा करो तो ज्यादा अच्छी तरह से मदद कर सकते हो। हाँ अभी अभी याद आया, मैंने खेत में बहुत सारी चिड़िया देखी थी। अच्छा होगा मैं अपना वो काम संभाल लूं, मतलब वही तो मेरा असली काम है, चिड़ियों को भगाना, ऐसे है ना। ओ चलो भागो चिड़िया जाओ। तो इस तरह से चिड़ियों को भगाते हो तुम? स्मार्ट लग गया है काम पर। ओके लॉफ्टी, इस पर हुक लगा सकते हो? हाँ, लगा ही दूंगा। लगा दिया बॉब। शाबाश लॉफ्टी,
बाहर खींच लो। पकड़े रख पाओगे स्कूप? हाँ, हाँ। लॉफ्टी से कहूँ वो नई तख्ती को उठा लाए। काम पूरा हुआ फार्मर पिकल्स, पूरी फसल आ गई है। हाँ। शाबाश बहादुर मशीनों, लेकिन क्या तूफान आने से पहले हम खलिहानों तक पहुंच पाएंगे? थोड़ा सा ऊपर लॉफ्टी, मेरी तरफ थोड़ा और बैठ गया। ओके स्कूप, अब छोड़ दो। ये नई तख्ती पत्थर की तरह मजबूत है। ओह, ओह, एक हाथी, दो हाथी, तीन हाथी, चार हाथी, पांच हाथी, छह हाथी, सात हाथी, आठ हाथी। तुम हाथी क्यों गिन रहे हो बॉब? नहीं नहीं, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि बिजली कड़कने और चमकने के बीच कितने सेकंड का वक्त है। हाथी कहने में एक सेकंड लगता है, तो आठ सेकंड हुए, मतलब तूफान सिर्फ आठ मील दूर है। अब समझा। तो खलिहान तैयार है, लेकिन फार्मर पिकल्स और फसल कहाँ है? क्या पता हाथी के पीछे फंस गए हो। ओ स्कूप, तेज और तेज। ओ, एक हाथी, दो हाथी, तीन हाथी, चार हाथी, शायद हाथी पास आ रहे हैं। हम पहुंच गए। बहुत अच्छे मक, अब बस फसल को खलिहान तक पहुंचाना है। करके दिखाएंगे। कर ही देंगे। ये आखिरी गट्ठर है बॉब। हो गया फार्मर पिकल्स। इसे कहते हैं एक अच्छी और बढ़िया फसल, और इसे कहते हैं अच्छा खलिहान। हाथियों की आवाज सुनाई दे रही है, पर वो है कहाँ? शायद घर पर अपनी सूने समेट रहे हैं। क्या सच में? नहीं स्कूप, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, छोड़ो बाद में बताऊंगा। चलो साथियों, अब घर चलते हैं। Wow.
बिल्डर करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ स्कूप मक्का डीजी रोली के साथ लॉफ्टी और वेंडी ने बढ़ाया हाथ बॉब और साथी मस्ती में मगन मिलजुल के करते हैं काम खत्म बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ बिल्डर और बर्ड ट्रैविस और स्पर्ट दोस्तों का है जी ये प्यारा जमघट बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ कहीं लेंगे मेहनत वाला काम था। ओह हाँ, मेरा तो जोर जोर दुख रहा है और मैं तो गोल गोल रोली रुको ओह बाल बाल बचा तुमने तो वो फेंस गिरा ही दी थी उप्स, सॉरी बॉब कोई बात नहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ आज का काम बस खत्म करना चाहिए हम सभी अब थक गए हैं अब मैं एक हफ्ते तक सोऊंगा एक महीने तक दो महीने तक एक साल तक दो साल तक ओहो अब बस भी करो बेकार की बहस में लगे हो सॉरी बॉब इसे जरा खाई के चारों तरफ लगा दो मैं नहीं चाहता कोई इसमें गिर जाए ठीक है तो मुझे नहीं पकड़ सकते नहीं मैं नहीं पकड़ पाऊंगा अरे क्या कर रहे हो उसको सॉरी वेंडी पकड़ा अब तुम चोर वेंडी नहीं मुझे नहीं खेलना घर जाने का वक्त हो गया है पता नहीं बॉब अभी तक वापस क्यों नहीं आया काफी देर हो गई है हाय वेंडी वापस आ गए हाँ और तुम काफी थके हुए भी लग रहे हो हाँ सभी थक गए आज बहुत ही ज्यादा आज तो सच में इतना काम काम ही काम 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 हेलो पिल्चर्ड हेलो वेंडी आज क्या काम करना है बताओ बताओ ओ डिजी बस ऑफिस में जाकर अभी अपनी लिस्ट लाती हूँ मीठा मीठा हेलो स्पॉट आओ देखो ट्रेविस क्या देखूं ठीक है मक कल वाले काम को पूरा करना है चलो रोली करके दिखाएंगे हाँ भाई हाँ रोली 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 वेंडी क्या रोली काम पर गया है नहीं क्यों वो यहाँ है नहीं ओह अजीब बात है बैट वो क्या कहाँ है क्या बात है स्कूप बैट ने बताया कि रोली नींद में चल रहा था अब वो पूरे शहर पर अपना रोलर चला देगा दो
दोस्तों चलो उसे जगाते हैं, कहीं वो मुसीबत में ना पड़ जाए। चलो स्कूप। नहीं नहीं रुको बॉब, नींद में चलने वाला अगर सोने की जगह से बहुत दूर जगता है तो उससे बहुत धक्का लगता है, इसीलिए हमें रोली को नींद से न जगाकर उसी हालत में वापस लाना पड़ेगा। हाँ, हम अलग अलग दिशा में जाते हैं और उसे ढूंढते हैं। लो वेंडी, इसे रख लो, शायद एक दूसरे से बात करनी पड़े। ढूंढ कर दिखाएंगे। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं है, उसके रोलर के निशान के पीछे पीछे चलो। ये लैंप पोस्ट देखो, रोली ने तो सब कुछ गिरा दिया। रोली रोली, वेंडी ने कहा था उसे जगाना मत बाप। ओ हाँ, रोली रोली। तुमने रोली को तो नहीं देखा, क्यों ट्रेविस? वो खो गया है। मैं तुम्हें बताऊं, उसने तो मुझे सुबह नीचे ही गिरा दिया था। वो किस तरफ गया? उस तरफ। ओह थैंक्स ट्रेविस, आओ लॉफ्टी, चलो चलें। ओह बाय बाय, उसके सामने मत जाना। ओह डियर, बस उसे कुछ हुआ ना हो, कहीं वो रहा। क्या कहा? ओहो, मिस्टर बीजली का फैंस। वो सीधा खाई की ओर बढ़ रहा है, अगर वो उसमें गिर गया तो हम उसे कभी निकाल नहीं पाएंगे। अब हम क्या करें? सोचो स्कूप, सोचो। सोच रहा हूँ। आइडिया। हे बॉब, क्या करने जा रहे हो? पुल बना रहा हूँ, बस बन जाए। रोली से पुल ज्यादा मजबूत होना चाहिए। ओह, मुझसे देखा नहीं जा रहा। ओ रोली। आ गया। वेंडी, ओ वेंडी, वो हमें मिल गया। तुम लॉफ्टी के साथ मिस्टर बिजली के घर के पास जल्दी से आ जाओ। ठीक है लॉफ्टी, थोड़ा सा पास। ओह, ध्यान से बॉब। हाँ, उसे ले जाओ लॉफ्टी, आराम से करो। बहुत थक गया। मैं भी, सच में। बॉब, हमें रोली नहीं मिला। हाय, हेलो। अरे उठो भाई। वाह, मुझे तो बहुत बढ़िया नींद आई। चलो मग, चलो। जरा देखो तो डिजी मग सो रहा है। डिजी लॉफ्टी स्कूप। ओह अच्छा, तो बोलो बॉब, करके दिखाएंगे। ओह नहीं भाई रोले, अभी बिल्कुल नहीं, थका हुआ हूँ। ओह कल मिलते हैं वेंडी। बाय बॉब, बाय रोले। बट क्या हो रहा है, इन सबको देखो तो सो रहे हैं। कल तो पूरा दिन मैं काम कर रहा था, ये नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
बिल्डर करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। स्कूप मक्का डीजी रोली के साथ लॉफ्टी और वेंडी ने बढ़ाया हाथ बॉब और साथी मस्ती में मगन मिलजुल के करते हैं काम खत्म बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। बिल्चिट और बर्ड ट्रैविस और स्पर्ट दोस्तों का है जी ये प्यारा जमघट बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। कहीं लेंगे अच्छा तो याद रखना बॉब कल सुबह से मिसेस पॉट यहाँ आएंगी ऑफिस का काम संभालने हमारी चिंता मत करो वेंडी अपनी बहन के पास छुट्टियाँ मना कराओ हाँ बिल्कुल ओह उसका बगीचा बहुत सुंदर है सामने बरामदा है लॉन है हाँ, मेरे बगीचे की तरह गंदा नहीं ओह ऐसा है बॉब ओह हाँ वेंडी तुम्हें अब जाना चाहिए कहीं ट्रेन ना निकल जाए सही कहा बाय टीम कल रात को मिलते हैं बाय स्टेशन से लाने के लिए स्कूप को भेज दूंगा आ आ मुझे वेंडी की बात याद आएगी चिंता मत करो डिजी याद करने के लिए टाइम ही नहीं होगा क्या मतलब बॉब मुझे अभी एक आईडिया आया है हम वेंडी के बगीचे को सुंदर बना देते हैं उसकी बहन के बगीचे जैसा सुंदर मैं पेड़ पौधे लगाऊंगा मैं जमीन चिकनी कर दूंगा हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है एकदम सुबह ही काम शुरू कर देना होगा समझ गया पिल्चर मैं अभी तुम्हारा नाश्ता लाता हूँ बॉब्स बिल्डिंग यार्ड ओह हेलो मिसेस पॉट्स ओह डियर अच्छा कोई बात नहीं आप आराम कीजिए और दवा ले लीजिएगा बाय ओह संभाल ही लेंगे किसी तरह ओहो पिल्चर्ड अभी लाता हूँ ऑफिस में तो कोई होगा ही नहीं इसलिए आंसरिंग मशीन को ऑन रखता हूँ एक दो बार आकर मैसेज देख लूँगा तो वेंडी के बगीचे में हम अभी काम करने जा रहे हैं बिल्कुल जा रहे हैं वाह करके दिखाएंगे कर ही लेंगे ठीक है स्कूप और रोली बगीचे के लिए मैंने कुछ बजरी पाइप और घास का ऑर्डर दिया है तुम जाओ और वो सब ले आओ ठीक है बाप बक डिजी और लॉफ्टी तुम सबको बगीचा तैयार करना है इसलिए फटाफट ये लकड़ियाँ उठाओ ठीक है बॉब तो ठीक है देखते हैं बीच में थोड़ा सा लॉन होगा घर के पास एक बरामदा और वहाँ पर हम एक मंडप लगाएंगे मंडप क्या होता है लकड़ी का एक बड़ा सा ढांचा उसके नीचे बैठना अच्छा लगता है फूल लगाए तो वेंडी को फूल बहुत पसंद है अच्छा आइडिया है डिजी तो हम क्यारियां बनाएंगे उस तरफ बाद में ऑफिस आते वक्त मैं पौधों का ऑर्डर दे दूंगा तो सब समझ गए काम शुरू करते हैं मैं ऑफिस जाता हूँ पौधों का ऑर्डर देने और मैसेज भी सुन लूंगा ओके बाब मैं तुम्हें ले चलूं शाबाश लॉफ्टी वक्त भी कम लगेगा फिर मिलते हैं बाय बाय हेलो क्या ये बॉब बिल्डिंग यार्ड है हेलो ओह ये क्या है अब हेलो हेलो अरे
ये आखिर हुआ कैसे? ओहो, इतने ढेर सारे मैसेजेस। हेलो बॉब बिल्डिंग यार्ड, हमारे यहाँ पर सिंक का पाइप खराब हो गया है, तो क्या आप उसे ठीक करने के लिए हो सकते हो? ये आंसरिंग मशीन हमेशा ही कितना ज्यादा परेशान करती है। इसकी किताब कहाँ चली गई? चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगा। वो फैक्स मुझे गार्डन सेंटर भेजना है। चलो पौधे तो मंगा लिए। ओहो, लगभग 3 तो बज भी गए। वेंडी के बगीचे पहुंचना चाहिए। फिर मिलेंगे फिल्चर। चलो लॉफ्टी, जल्दी चलो। हेलो। अरे वाह, स्कूप और रोली भी आ गए। तो दोस्तों, गार्डन सेंटर से सारा सामान आ गया है, अब काम जल्दी पूरा कर सकते हैं। लेकिन बाप, फूलों का क्या हुआ? उनका ऑर्डर दे दिया डेजी, तुम और मक जाकर ले आओ। वाह, ये! ये बॉब्स बिल्डिंग यार्ड है, प्लीज बीप के बाद। मैं अपनी खुरपी लाना भूल गया। आओ लॉफ्टी। ओह, वो खुरपी मैंने कहाँ रख दी? आह, ये रही। ओह, ये क्या हो गया? भोली शक्ल बनाने की जरूरत नहीं पिलचट, वेंडी ने देख लिया तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब इसे मैं कैसे ठीक करूं? बहुत देर हो गई, 6 बज गए, वेंडी आती ही होगी। चलो जल्दी करो, बहुत काम बाकी है। सब काम हो गया बाब, बस मंडप लगाना है और पौधों को गमलों में लगाना है। घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। स्कूप, तुम वेंडी को ले आओ, जल्दी जाओ। अरे, मेरे बगीचे से ये आवाज कैसी आ रही है? वो तो कोई चिड़िया है। चिड़िया? तो वो दुनिया की सबसे बड़ी चिड़िया होगी। वेंडी, आंखें बंद करो और मेरे साथ आओ। अरे क्या हो रहा है? ओके, अब तुम अपनी आंखें खोलो। सरप्राइज सरप्राइज। बॉब, बहुत सुंदर है ये बरामदा। चाय पीने की बढ़िया जगह। ये मंडप गर्मियों की शाम को बाहर बैठने के लिए, और ये सुंदर क्यारी, मेरे मन पसंद प्यारे प्यारे पौधे। ओह बॉब, थैंक यू, तुम सबको थैंक यू। इतनी सारी खुशी मिली तो मैं पूछना भूल ही गई। बॉब, क्या मिसेस पॉट्स ने ऑफिस का काम अच्छी तरह संभाला? वो आ नहीं पाई, बीमार थी और ऑफिस में सब कुछ गड़बड़ हो गया। मैं सोच रहा था कि कल तुम जल्दी आकर अगर सब कुछ ठीक कर दो तो। तुम्हारा मतलब है कि करके दिखाऊंगी? ओह वेंडी। हाँ भाई हाँ, मेरी याद आई, ये जानकर अच्छा लगा। खैर, जल्दी आ जाऊंगी। वैसे भी शाम को घर आकर अब मैं बगीचे में आराम कर सकती हूँ और चाय के कप। ओह बॉब, अगर यहाँ एक फाउंटेन हो तो। फाउंटेन?
बिल्डर करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। स्कूप मैकडीजी रोली के साथ लॉफ्टी और वेंडी ने बढ़ाया हाथ। बॉब और साथी मस्ती में मगन मिलजुल के करते हैं काम खत्म। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। बिल्चिट और बर्ड ट्रैविस और स्पर्ट दोस्तों का है जी ये प्यारा जमघट। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ। कहीं लेंगे ठीक है टीम काम खत्म हो गया। प्लास्टर के वो टूटे टुकड़े अभी हटाने हैं। ओके बॉब। हटाने पड़ेंगे। हेलो बॉब द बिल्डर। हेलो बॉब, मैं वेंडी बोल रही हूँ। मैं वापस खेत पर जा रही हूँ काम खत्म करने। मैंने आंसरिंग मशीन ऑन कर दी है। ओके वेंडी, शाम को घर पर मिलते हैं। बाय। अच्छा सुनो लॉफ्टी, अगर मैं सीढ़ी से ऊपर जाऊँ तो तुम मुझे औजार दे दोगे? हाँ शायद। ठीक है मैं ऊपर जाता हूँ। आज कितना प्यारा दिन है, चलो शाम की सैर पर चलते हैं।